It's me, Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathhimath.com. Let's start with question number 4 and third part of this question. The statement of the question is 9 minus 7 iota over 3 plus iota. So, इसको भी हमने a plus iota b की फॉर्म में लिखना है. ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से भी हमने लास्ट टू पार्ट सॉल्व किए हैं. तो इनमें इस क्वेश्चन में हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे कि जैसा यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये नज़र आ रहा है कि ये 3 प्लस अयोटा है, तो 3 प्लस अयोटा का कॉन्जुकेट लेके, यानी 3 प्लस अयोटा का कॉन्जुकेट होगा 3 माइनस अयोटा, तो 3 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे. सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड रैशनलाइजेशन. तो इसके अंदर सिंपल हम इस तरह से करेंगे कि 3 माइनस अयोटा से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 माइनस अयोटा से ही डिवाइड किया. और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मकसद सिर्फ ये है ताकि यहाँ पे ये जो आपका बटे में या डिनोमिनेटर के अंदर जो अयोटा का फिगर है ये किसी तरीके से रिमूव हो सके. चलें इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पे जो न्यूमिनेटर्स हैं ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे. होगा कुछ इस तरह से कि 9 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ 9 और 3, फिर ये 9 और अयोटा मल्टीप्लाई होगा, यानी 9 और ये इस माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस 7 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस 7 अयोटा माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो और बटे में क्या होगा, बटे में कुछ इस तरह से होगा, यानी इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, आप ज़रा यहाँ देखिए. एक्चुअली यहाँ होगा ये कि ये 9 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 9 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 7 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 7 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा. तो ये यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ जो है ये यही मल्टीप्लिकेशन ही हुई हुई है. नेक्स्ट यहाँ पे बटे में कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि यहाँ पे 3 प्लस अयोटा है और साथ में 3 माइनस अयोटा है, यानी बेसिकली ये a प्लस बी एंड a माइनस बी है. जब हमारे पास a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो इसको हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं. तो ए स्केयर हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 3 का स्केयर 9 माइनस अयोटा का स्केयर, तो ये 3 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर. न्यूमिनेटर में हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि 9 इंटू 3 इक्वल टू 27, यहाँ पे माइनस 9 अयोटा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 21 अयोटा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 7 अयोटा स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गए और 7 अयोटा स्केयर आ जाएगा, और बटे में हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस अयोटा स्केयर, ये 9 माइनस अयोटा स्केयर आ जाएगा. नेक्स्ट इसी स्टेप को ले करते हैं, देखें इस यहीं से कि ये 27 इसी तरह से आ गया, और 9 अयोटा और 21 अयोटा, ये हमारे पास 30 अयोटा आ जाएगा, यहाँ 7 इंटू अयोटा स्केयर की वैल्यू है हमारे पास माइनस 1, तो 7 इंटू माइनस 1 ओवर सारे के बटे में आ जाएगा 9 माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू है माइनस 1, तो अयोटा स्केयर की जगह पे हमने यहाँ पे माइनस 1 रख दिया. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 27 माइनस 30 अयोटा, और यहाँ पे जो हमारे पास 7 अयोटा स्केयर था, अयोटा स्केयर की वैल्यू हमने माइनस 1 यहाँ पे रखी, ये माइनस में इस प्लस को माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास माइनस 7 ओवर ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस अयोटा स्केयर, इस अयोटा स्केयर की जगह भी हमने माइनस 1 रखा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 में से अब 7 सब्ट्रैक्ट हुए तो 20 माइनस 30 अयोटा ओवर 10. अब हम यहाँ पे इन यहाँ पे इस तरह से करते हैं कि इसको सप्लिट अप कर लेते हैं, यानी ये 10 जो है ये 20 का भी बटा है और 30 का भी बटा है, तो इसको हमने जस्ट सप्लिट अप किया तो ये हमारे पास आ गया 20 ओवर 10 माइनस 30 ओवर 10 इंटू अयोटा. तो सिंपली यहाँ पे ये जो है ना ये कटिंग हुई, कैंसिलेशन हुई, तो ये हमारे पास आ गया 2 माइनस 3 अयोटा. तो हमने अपना जो हमें गिवन क्वेश्चन था इसको ए और अयोटा बी के फॉर्म में हम ले आए. ये क्वेश्चन में 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ.com.